सभी लोगों को राम राम। और इस चुनावी जनसभा में और बागली विधानसभा के कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साझा उम्मीदवार हमारे भाई देवेंद्र यादव जी हमारे साथ, राज्यसभा मेंबर बिहार से मनोज झा जी, राज्यसभा मेंबर बिहार से अशफाक करीम साहब जी और जितने भी यहाँ कांग्रेस के हमारे पदाधिकारी नेता कार्यकर्ता और सभी यहाँ विधानसभा बादली के मतदाता हैं, बड़ी संख्या में यहाँ अभिभावक हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोगों ने जो पगड़ी पहनाने का काम किया है इसका हम मान जरूर रखेंगे। पगड़ी तो सबसे बड़ी चीज है। अब पहली बार हम आए हैं तो हम तो छोटे हैं तो कुछ तो मिलना चाहिए लौटते समय, तो हम तो इतना ही चाहेंगे कि आप देवेंद्र जी को भारी मतों से जिताने का काम करें। जी का और लालू जी के हाथों को मजबूत करें। बादली विधानसभा से देवेंद्र जी लड़े हैं, बगल का यहाँ हमारा विधानसभा बुढ़ारी है वहाँ आरजेडी लड़ रही है, त्यागी है हमारे कैंडिडेट वहाँ के प्रमोद त्यागी, और बड़ी संख्या में इन सारे क्षेत्रों में जो आबादी है पूर्वांचलों की, तो बड़े समय से मांचल की पार्टी होने के नाते, हालांकि कुछ सालों से हम चुनाव नहीं लड़ रहे थे लेकिन पहले जब लड़ा करते थे तो भी हम लोग 2-3 सीटें जीत लिया करते थे। ओखला का सीट होता था, चांदनी चौक के इलाके की सीट होते थे, दिल्ली के जनता का प्यार आशीर्वाद मिलता रहा, लेकिन इस बार लोगों की मांग रही तो हम लोगों के जो नेचुरल अलाय पार्टी है कांग्रेस, बहुत पुराना संबंध है, खासतौर पे मैडम सोनिया जी का और लालू जी का जो संबंध है वो अटूट है, वो टूटने वाला नहीं है, वो जो रिश्ता है नाते हम लोगों को कांग्रेस ने पूर्वांचली पार्टी होने के नाते जो सम्मान दिया इसके लिए कांग्रेस पार्टी को भी हम लोग धन्यवाद देते हैं। और पिछला चुनाव झारखंड में था, झारखंड में पिछला चुनाव जेएमएम आरजेडी और कांग्रेस मिलकर लड़ी। अभी देवेंद्र हुड्डा जी कह रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा जी, कि मीडिया की बातों को मत मानना, तो वो तो कह रहे थे कि कुछ मीडिया घराने ऐसे होते हैं, कुछ जो बीजेपी सोच वाली जो मीडिया है, लालू जी उस मीडिया को क्या कहते पता है, बिहार का लोग समझते होगा टीटी है, टीटी मतलब ताबड़तोड़ तेल मालिश। तो ताबड़तोड़ तेल मालिश की मीडिया झारखंड के चुनाव में किसको जिता रही थी, भाजपा। वहां हम लोगों के गठबंधन ने धूल चटाने का काम। और देखिए दिल्ली की बारी है और ये तो देहाती इलाका है दिल्ली का, और मेरा मानना है कि शीला दीक्षित जी जब तक मुख्यमंत्री रही तो काम काफी किया इस इलाके में, जितना भी देहात का इलाका वगैरह कनेक्टिविटी वगैरह से लेकर हर एक चीज, पेंशन के जिक्र कर रहे थे ये बेहतर आप लोग जानते हैं, लेकिन हमारा भी दिल्ली में पढ़ाई लिखाई हुआ और हम दिल्ली से क्रिकेट भी खेला करते थे स्टेट टीम में, हम छोटे से बड़े जवान यही हुए, तो हमने देखा है कि किस तेजी के हिसाब से शीला दीक्षित जी के समय में विकास के काम किए। देखिए एक वो ये झूठ बोलने का कंपटीशन चल रहा है, हमको नाम नहीं लेना, आप लोग सब लोग जानते झूठ पे वोट ले रहे हैं, अब सही समय है कि आप लोग हिसाब मांगो। आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पूरे देश में अघोषित इमरजेंसी, पूरा देश जल रहा है, कोई जाति कोई धर्म कोई वर्ग कोई राज खुश नहीं है मौजूदा सरकार से। आप देखिएगा
भाजपा की सरकार केंद्र में पूरी तरीके से हम कहते हैं घोषित इमरजेंसी लागू, देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। हम कहते हैं कि बेरोजगारी खत्म करो। बेरोजगार कितने लोग होंगे, हाथ खड़ा करोगे तो पता चलेगा कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग बेरोजगार। ये मोदी जी कहते थे 1 साल में 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। हम कहते हैं बेरोजगारी खत्म करो, महंगाई खत्म करो, शिक्षा पे बात करो, चिकित्सा की बात करो, भाईचारे की बात करो, गरीबी को खत्म करने की बात करो। बीजेपी के लोग चीजों पे बात करते हैं, हिंदू पे बात करेंगे, मुस्लिम पे बात करेंगे, मंदिर पे बात करेंगे, मस्जिद पे बात करेंगे, पाकिस्तान पे बात करेंगे, और कोई नहीं मिला तो इमरान खान पे बात करेंगे। अपने देश की स्थिति को सुधारिए, जनता ने मौका दिया है, जनता ने मौका दिया है तो काम कीजिए। और ये तानाशाह रवैया चलने वाला नहीं है, ये देश सबों का देश है। कौन कौन से कानून ला रहे हो, काला कानून ला रहे हो, और ऐसे दिखा रहे जैसे केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये 130 करोड़ हिंदुस्तानी के खिलाफ है। पिछड़ा समाज का हो, दलित हो, गरीब हो, मजदूर हो, ये तो एक तेजस्वी यादव को भी प्रमाणित करना पड़ेगा, लालू यादव को भी प्रमाणित करना पड़ेगा कि वो इस देश का नागरिक है कि नहीं। कागज का टुकड़ा हम लोग को तय करेगा कि हम इस देश के वासी है कि नहीं। ये देश सबों का देश, इस देश की आजादी में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोगों ने, उनके पूर्वजों ने खून देकर के इस देश को आजाद कराने का काम किया। और ये बीजेपी का लोग कहता है कि सबूत दो। अरे भैया हम तो डीएनए का जांच करा लो, खून का जांच करा लो, पता चल जाएगा हम कितने देशभक्त हैं। लेकिन आरएसएस वालों, तुम भी अपना साथ साथ डीएनए का खून का जांच करा लो, कितने देशभक्त हो। आज आप देखिएगा हम लोगों को रेजिमेंट को लेकर क्या ही रेजिमेंट होना चाहिए, बीजेपी की सरकार है क्यों नहीं करती। लेकिन और भी देखिएगा तरीके से, अगर हम लोग अगर इस कानून के बारे में बात करें तो बड़ा शर्म की बात है कि हम लोगों को प्रमाण देना पड़ रहा है। ये बीजेपी के लोग कहते हैं कि हम लोग पाकिस्तान भेज देंगे, ये किसी के बाप का देश है जो पाकिस्तान भेज देंगे। ये देश सबों का देश है, और इसलिए आप सब लोग मुद्दे पे रहिए, मोदी की ना बात करिए, मुद्दे की बात कीजिए। अभी महंगाई कितनी थी, प्याज का दाम कितना बढ़ गया था, 200 रुपए किलो। यहाँ नौजवान होंगे जो फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब और एक नया टिकटॉक है चलाते होंगे, उस पर क्या वीडियो चल रहा था, बड़ा अच्छा मजाक उड़ाया महंगाई को लेकर के। पता नहीं भाजपा के लोगों ने देखा कि नहीं देखा, एक थाली में दाल चावल खा रहे थे लोग, महंगाई इतनी ज्यादा है, अब प्याज को टांगे वैसा सुन रहा था। तो नसीब तो हो तोड़ेगा, अब बताओ गरीब कहां से प्याज का दाम 200 रुपए किलो, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। चर्चा हो रही है हिंदू मुस्लिम कौन ज्यादा देशभक्त है, कौन। अरे भैया यहाँ जितने मौजूद है सब देशभक्त है, लेकिन इस आर्थिक मंदी आई इतनी दिनों बाद, जो 70 साल में नहीं हुआ आर्थिक मंदी, वो भाजपा के लोगों ने 70 महीनों में लाकर दिखा दिया। बेरोजगारी दर 45% बढ़ गया, लगभग 4 करोड़ नौकरियां खत्म हो गई। और ताजा 2020 का सर्वे आया है, उसमें लगभग 20 लाख नौकरियां और खत्म हो गई। तो आप समझ रहे हो कहां जा रहा है, यहां बुजुर्ग होंगे, बच्चों को पढ़ाते होंगे, अपना पेट काट के बड़ा करते होंगे, बच्चों को डिग्री मिलता होगा, डॉक्टर का, एमबीबीएस का, इंजीनियर का। जब नौकरी के लिए जाते हैं उनको नौकरी नहीं मिलता, ये हालत हो गई। चपरासी की बहाली होती है, उसमें पढ़े लिखे लोग, बीटेक किए लोग आवेदन देने का काम करते हैं, दुर्भाग्य की उसमें भी नहीं होता। मोदी जी कहते हैं कि पकौड़ा बेचो, अरे मोदी जी अगर कहीं नौकरी नहीं मिल रहा तो घर चलाने के लिए, बच्चे का पेट भरने के लिए हम तो पकौड़ा बेच लेंगे,
लेकिन 15-15 लाख रुपए हर एक खाते में वादा किया था, आप उसमें से 2-3 लाख रुपया बोली करा लीजिए, हम लोग पकौड़ा का ठेला लगा लें। ठेला लगाने में भी तो पैसा चाहिए होता है, उसका पैसा कौन देगा? जितने लोग आए सबको बैंकों को लूट करके भागे मोदी जी के यार, जितने थे विदेश भगा दिए गए सारे उसी बिरादरी के लोग। नीरव मोदी हो, ललित मोदी हो, सब देश को लूट के चले गए। आज अगर कोई छोटा मोटा व्यवसाय करना हो तो उसके लिए बैंक में जाते हैं तो लोगों को लोन नहीं मिलता, इतनी तकलीफें। इसलिए आज ज्यादा कुछ ना कह करके आने में देरी हो गई, इसलिए हम आप लोगों से माफी मांगेंगे। 2-3 जगह कार्यक्रम का आपको पता है दिल्ली में जाम की स्थिति किस प्रकार से रहती है, तो उस वजह से देरी हुई, माफी चाहेंगे। लेकिन आप लोगों से वादा करते हैं आप इनको देवेंद्र जी को जिताओ, एक एक वोट अपना दो। हम आपसे वादा करते हैं कि विजय जुलूस में हम जरूर इनके साथ शामिल होने यहाँ आएंगे। तो ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, लेकिन पूर्वांचल भाइयों से इतना कहेंगे, ये अभी पलटी मार बिहार के माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे यह बगल में बुरारी में, लोग नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री मोदी जी को बजट को लेकर के धन्यवाद दे रहे थे कि बहुत अच्छा बजट है, बजट में बिहार ठेंगा दिखाया, ठेंगा बोलते डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी और राज्य में भी। बिहारियों की मांग रही स्पेशल राज्य का दर्जा मिले, मोदी जी ने बोला ठेंगा लो। बिहारों की मांग रही कि स्पेशल पैकेज दे दो, गरीब राज्य है और राज्य के मुकाबले हमको बराबरी करना है, स्पेशल पैकेज दे दो, मोदी जी ने ठेंगा दिखाया। लोगों का मांग था कारखाना दे दो ताकि हम बिहार से बाहर नहीं जाए वहीं रोजगार करें, मोदी जी ने ठेंगा दिखाया। लोगों का मांग था कि रेलवे का लगे, गाड़ियां खुले और आने जाने लोगों को दिक्कत ना हो, टिकट सस्ता हो, ठेंगा हर चीज में। मतलब बिहार को पता है, बिहार आधा बिहार हमारा बाढ़ से डूबा रहता है, परेशान रहता है, घर तह जाता है। भाई बिहार के लोगों का मांग था कि बाहर में जितनी बड़ी तबाही हुई उसके लिए राहत के लिए कुछ दे दीजिए मोदी जी, तो मोदी जी बोला ठेंगा लो। जो शुगर मिल है वहां बंद है उसको खुलवाने की मांग रही, मोदी जी ने बोला ठेंगा लो। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री धन्यवाद कर रहे हैं, बहुत अच्छा बजट था मोदी जी, कैसे मुख्यमंत्री शर्म नहीं आई, और दिल्ली में कैसे आ गए भाई 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री रहे, बिहार में इतना पलायन हुआ, दिल्ली लोग आ गए, तो दिल्ली आगे पलायन करके लोग भगा दिए नीतीश कुमार जी ने, बोले कि हम नहीं दे सकते रोजगार, और यहां आकर के उनसे वोट मांग रहे, आशा कर रहे हो कि इस मुंह से वोट मांग रहे हैं, इसलिए वो तो पलटी मार है। हम तो बुरारी जाकर के भी बोल के आए कि नीतीश कुमार जी का पार्टी चुनाव लड़ रहा है वहां से बीजेपी के समर्थन से, लेकिन भाजपा वालों को हम बोल करके आए, भाजपा वालों ध्यान से, हमारे मुख्यमंत्री थोड़ा पलटी मारने में तेज है, वोट लेके कहां जाके पलटी मारेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। हम तो चेतावनी दे दिए भाजपा के लोगों को, अब उनको सबक सीखना है तो जाने, लेकिन इतना तय है कि दोनों विधानसभा से इतनी गारंटी है कि राष्ट्रीय जनता दल बुड़ारी से और बादली से देवेंद्र जी जीतने जा रहे हैं। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे आगे बता दीजिए, जीतेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी बात को यही समाप्त करते हैं, जय हिंद।